अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखाने लगे हैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको दिखाने लगे हैं कि हम विदाउट एनी कास्ट कैसे हम एक कार्ड को तैयार कर सकते हैं। आज आपको एक छोटा सा बच्चा एक कार्ड तैयार करके दिखाएगा। एक सिंपल सा लफाफा उसने लिया है, शापर वो लिया है, और वो जो काइट वाला जो तीले होते हैं वो भी उसने आम झाड़ू के लिए है, कोई स्पेशल तीले भी नहीं है। और उसके लिए जी व्यूवर्स देखते जाएं कि ये कैसा कैसे ये बच्चा आपको काइट बनाकर दिखाने लगा है। जी ये अपनी पॉकेट से कुछ निकाल रहा है। इस छोटे बच्चे ने अपनी पॉकेट से टेप निकाली है। अब टेप निकाल ली, अब वो जो है ना काइट के दरमियान में डायगोनल जो है ना वो जो तीला है वो लगा रहा है। बोलोगे सही बात है। अब वो तीले को पेज के मुताबिक शापर के मुताबिक जो है ना जी, अब उसने थोड़ी सी टेप उतारी है। अब वो दो डबल तीला उसने किया है ताकि वो जो काइट है वो दरमियान से मज़बूत हो। उसकी बैक बोन तैयार कर रहा है काइट की। जी ये काइट की बैक बोन तैयार हो रही है। देखते जाएं व्यूवर ये कैसे छोटा सा बच्चा आपको बगैर किसी कास्ट के जो है ना काइट तैयार करके दिखा रहा है। और जो काइट की बैकबोन है उसको मज़बूत करने के लिए उसने डबल तीला यूज़ किया है। उस डबल तीले को मज़बूती बढ़ाने के लिए उसने उस डबल तीले को टेप के साथ मज़बूत किया है। पहले अब उसने तीले के एक सिरे पे टेप लगा दी है। जी व्यूवर्स देखते जाएं कैसे इस बच्चे ने काइट तैयार की है, तैयार कर रहा है। जी व्यूवर्स देखें ज़रा, जी व्यूवर देखें ज़रा, इस छोटे बच्चे ने काइट का जो है ना आधा हिस्सा तैयार कर लिया है। जो इसकी बैकबोन है, जो कमर होती है उसने तैयार कर ली है। अब जो कमान है वो तैयार होने लगी है, जो काइट की कमान होती है जिसने दोनों साइडों को मजबूत करना होता है। जी व्यूवर्स देखते जाएं। जी जैसा कि आपको पहले बताया था कि जिस तरह इस बच्चे ने बैकबोन को मज़बूत करने के लिए डबल तीले का इस्तेमाल किया, इसी तरह काइट की कमान को मज़बूत करने के लिए डबल तीला इस्तेमाल कर रहा है। अब जो डबल तीला कमान के लिए उसको टेप लगा के मज़बूत कर रहा है। छोटा सा बच्चा है तो लेकिन अब तक 2-3 साल से ये जो है ना काइट तैयार कर रहे हैं। और घर में जितने भी झाड़ू आते हैं, जितने भी आते हैं झाड़ू, उन सब झाड़ू को ये ख़त्म कर देते हैं अपना अपना के काइट्स। जी व्यूवर्स देखते जाएं। जी कमान तैयार हो गई है।
अब देखें कमान का एक सिरा जो है वो टेप के साथ लगाया जा रहा है। जी देखते जाएं कमान का एक सिरा जो है ना वो डबल टेप के साथ उसको मजबूत किया गया है। हम इस छोटे बच्चे को बहुत मना करते हैं कि धूप में ना चढ़ा करें, काइट्स ना उड़ाया करें। तकरीबन दो हफ्ते पहले ये बीमार हो चुका था, तकरीबन एक हफ्ता बीमार रहा, बाहर हो गया था इसको। वो समझाते हैं कि धूप में ना जाया करें लेकिन ये बाज नहीं आता। जी देखते जाएं वो जो कमान है उसको काइट साथ लगाने के लिए, पेज के साथ लगाने के लिए उसके ऊपर टेप लगाई जा रही है। अब जो काइट है तकरीबन अपने आखिरी मराहल में है, उसकी फिनिशिंग हो रही है। अब देखते हैं ये बच्चा क्या करने लगा, जेब से कुछ निकाल रहा है। ओह ये तो काइट की इसने टेल बनाई हुई है, पहले की बना के काट के रखी हुई है। ओह गुड लुकिंग, एक्सलेंट कंट्रास्ट वाइट एंड ब्लू। अब देखते जाएं कैसे वो इस काइट को टेल लगा रहा है। टेल लगने से ये देखे काइट कितनी खूबसूरत हो गई है। जी व्यूअर्स काइट अपने आखिरी मराहल में है। ओह व्यूवर्स देखते जाएं कैसे बगैर विदाउट एनी कास्ट एक छोटा सा बच्चा एक शापर लेके उसको काट के, ठीक है, उसके अंदर जो उसने बैकबोन लगाई है काइट की, उसकी कमान लगाई है, वो भी कोई स्पेशल नहीं लेके आया कहीं से बाजार से, वो भी घर में झाड़ू है, बस झाड़ू को ख़त्म करता रहता है। जी व्यूवर्स ये देखें उस बच्चे ने काइट तैयार कर ली है, कितनी खूबसूरत लग रही है। जी व्यूवर्स देखें इस छोटे से बच्चे ने काइट तैयार कर ली है, कितनी खूबसूरत काइट तैयार की है। हम जो बाज़ार से लेके आते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छी खूबसूरत लग रही है। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस कुछ सीखने के लिए, आजकल बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, हम चाहते तो नहीं बच्चे छतों पे चढ़े धूप में, लेकिन थोड़ा बहुत इंटरटेन बच्चे कर लेते हैं। इसके लिए आपको इस छोटे से बच्चा ये कह रहा था कि मैंने काइट की जो है ना वीडियो बनानी है, तो हमने उसकी जो डिमांड है उसको पूरा करते हुए उसकी वीडियो बना दी है। तो मज़ीद इस तरह की लर्निंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जी व्यूवर्स आज आपको दिखाने लगे हैं कि उस बच्चे ने जो काइट तैयार की थी वो उसने अब ऊपर उड़ा दिया है, आपको नज़र आ रही होगी। देखते जाएं किस महारत के साथ काइट तैयार की गई है। अब वो बहुत हाइट पे ले गया है, हमारे कैमरे की पहुंच से भी दूर हो गई है। जी व्यूवर्स आपको नज़र आ रही होगी वो मस्जिद है, मस्जिद के मीनार के बिल्कुल ऊपर बड़े अच्छे तरीके से अच्छी महारत के साथ बड़े बैलेंस के साथ काइट तैयार की गई है, इसमें कोई इम्बैलेंस नहीं है।
बहुत हाइट पे चली गई है काइट, हमारा कैमरे की रेंज भी कम हो गई है, नज़र आ रही होगी व्यूअर्स, हमारी बहुत कोशिश है कि काइट को कवरेज देते जाएं। जी व्यूअर्स, अब आपको काइट नज़र आ रही होगी, एक्सलेंट परफॉर्मेंस, ये हम जूम करके काइट को कवर कर रहे हैं। जी व्यूअर्स, देखते जाएं कैसे छोटा सा बच्चा जिसका नाम तल्ला भाई है, उसने ये काइट तैयार की है और अब आपको उड़ा के दिखा रहा है। ये नहीं किया, जी व्यूअर्स देखते जाए कितनी हाइट के ऊपर काइट उड़ रही है, अब वो काइट को नीचे उतार रहे हैं। वो बहुत स्पीड के साथ काइट को नीचे उतार रहा है, वो इस चीज़ का भी नहीं ख्याल रखता कि नीचे डोर को गुंजल पड़ जाएंगे। अब वो काइट पास आके नीचे वाली छत के साथ ऊपर गिर गई है, अब उसको वो खींच रहा है, दीवार के ऊपर चढ़ गया अपनी काइट को देखने के लिए। अब वो काइट वो ऊपर ले आया, जी व्यूअर्स ये मस्जिद के बिल्कुल ऊपर है काइट, मैंने बोकला नहीं, जी व्यूअर्स अब काइट को उतार लिया गया है। जी जी ये थी व्यूअर्स काइट बनाने का तरीका आपको सिखाया गया, उसके बाद तैयार करने के बाद उस बच्चे ने उड़ा के भी आपको दिखाई है, अब वो अपनी डोर को लपेटने लगा है, अब उसने अपनी डोर को लपेटना शुरू कर दिया है। जी व्यूअर्स इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो वीडियोस हैं आपके पास टाइम पर पहुंचती रहें।